हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत खास है। ऐसे एक टॉपिक है जिसके ऊपर सबको ही आज बात करना चाहता है, पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा ग्लोबली। इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, ये करो इम्यूनिटी, ये नहीं करो इम्यूनिटी। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि इम्यूनिटी है क्या। माइसेल्फ डॉक्टर मनोज महापात्र, प्रोफेशनली एक फिजिशियन हूँ और एक वेलनेस कोच, एंड उसी के साथ एंटरप्रेनर भी हूँ। और इम्यूनोलॉजी ऐसे एक चीज है कि ये स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। और इम्यूनिटी रेफर होता है कि रेजिस्टेंस बाय ह्यूमन बॉडी, मतलब होस्ट, टुवर्ड्स इंजरी कॉज्ड बाय माइक्रोब्स एंड वेरियस माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बाहर का कोई पैथोजन आया और जो रेजिस्टेंस हम देते हैं उसी को इम्यूनिटी बोलते हैं। और इम्यूनिटी रेस्पॉन्स रिएक्शन ऑफ द बॉडी इन रेस्पॉन्स टू फॉरेन सब्सटेंस। बॉडी का जो रिएक्शन होता है उसी को इम्यून रेस्पॉन्स बोलते हैं, और ये एंटीबॉडी के जरिए में होता है, और बाहर से जो आता है फॉरेन बॉडी उसी को एंटीजन बोलते हैं। इम्यून एजेंट क्या हो सकता है? ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, नहीं तो उनके प्रोडक्ट, नहीं तो फूड पार्टिकल्स, केमिकल्स, पोलन एंड ट्यूमर सेल्स, ये सब इम्यून एजेंट है जो कि बॉडी में इम्यून रेस्पॉन्स पैदा करते हैं। और इम्यून सिस्टम का ऑर्गन जो जो है जो इम्यून रेस्पॉन्स पैदा करते हैं, एंटीबॉडी पैदा करते हैं, वो टंसिल, लिम्फ नोड, थाइमस, अपेंडिक्स, स्प्लीन, बोन मैरो, एडिनॉइड एटसेट्रा, ये सब हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म पैदा करते हैं, इसलिए उन्हीं को इम्यून सिस्टम का ऑर्गन बोलते हैं। और जो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के दो तरह की है एक्चुअली, एक है इनेट इम्यूनिटी और एक एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो ऑटोमेटिक होता है ह्यूमन बॉडी में, एडेप्टिव इम्यूनिटी जो ग्रेजुअली होता है। एडेप्टिव नेचुरल हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन इनेट इम्यूनिटी जिसको नेटिव इम्यूनिटी बोलते हैं, ये बेसिकली एक ह्यूमन बॉडी का बैरियर है, एनाटॉमिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर एंड सेलुलर बैरियर। एनाटॉमिकल बैरियर जैसे स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, एंड केमिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर है, स्टोमक एसिड हो सकता है, कॉफिंग हो सकता है, स्नीजिंग हो सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। देन जो सेलुलर बैरियर है, ये बॉडी का सेल है, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, जो नॉर्मली है, वो बाहर का कोई भी एंटीजन आता है उसी को खा लेते हैं, नहीं तो उसी को अंदर जाने नहीं देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कि इनेट इम्यूनिटी का जो सेलुलर पार्ट है। नेक्स्ट है कि एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो ह्यूमन बींग एक्वायर करता है, वो दो तरह के होता है, एक्टिव पैसिव। एंड एक्टिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी अगेन दो तरह की है, जो नेचुरल हो सकता है नहीं तो आर्टिफिशियल हो सकता है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? पाथोजन एंटर नेचुरल मैनर, शरीर में आया, कोई निमोनिया हो सकता है, चिकन पॉक्स हो सकता है, कोविड हो सकता है, इन्फेक्शन किया और बॉडी में जो इम्यूनिटी हुआ वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन इन्फेक्शन नहीं हुआ, लेकिन पाथोजन वैक्सीन के जरिए में आया, पोलियो वैक्सीन का एग्जांपल ले लीजिए, कोविड वैक्सीन का ले सकते हैं, ये एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है। और दूसरी तरह की जो है कि पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी अगेन नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है। नेचुरल क्या है? एंटीबॉडी एंटर इन नेचुरल मैनर, जैसे मदर का वोम में फीटस है और प्लासेंटा का जरिए में मदर का जो बॉडी में जो इम्यूनिटी आ जाता है तो उसी को बोलते हैं पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। और आर्टिफिशियल क्या होता है? एंटीबॉडीज इंजेक्टेड इनटू द पर्सन, ऐसे कुछ बीमारी में हम जब पेशेंट के अंदर एंटीबॉडी देते हैं उसी को बोलते हैं पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको कौन सा इम्यूनिटी के लिए क्या करना चाहिए ये सीखना चाहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बात करेंगे हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी। सो ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बहुत जल्द हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, दैट इज हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी।